हेलो स्टूडेंट्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के पार्ट 12 में आज हम 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले साइक्लो एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में जरा देख ले। द रिएक्शन इन विच एन एडिशन ऑफ टू अनसेचुरेशन कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड बाय कंसर्न वे इट इज कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा अनसेचुरेट कंपाउंड का एडिशन होने से कंसर्न वे से हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है, तो ऐसे रिएक्शन को साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कंसर्न वे मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड के बीच रिएक्शन से साइक्लिक एडक्ट प्रोडक्ट मिलती है। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड में से एक एक पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है और दोनों पाई बॉन्ड का कन्वर्जन दो सिग्मा बॉन्ड में होता है। आगे हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देख चुके हैं जिसमें दो इथिलीन के बीच एडिशन से साइक्लिक प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन मिलती है। साइक्लोब्यूटेन 4 मेंबर रिंग है जिसमें 4 कार्बन एटम रिंग में है। दूसरी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन आगे हम देख चुके हैं जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और इथिलीन के बीच रिएक्शन से साइक्लिक प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन मिलती है। साइक्लोहेक्सीन जिसमें 6 कार्बन है रिंग में है, यानी कि ये 6 मेंबर रिंग है, यानी कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन से हमें 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, जबकि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। आज हम 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन या फ्यूजन रिएक्शन देखेंगे। In 1963, Rolf Husson was reported that the addition of 1,3 dipolar compounds to a double bond diphenyl to form 5 member heterocyclic compound. 1963 में केमिस्ट रोल्फ हुसन ने बताया कि जब 1,3 डाइपोलर कंपाउंड का डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी कि डाइफ्लोफाइल पोलरोफाइल के साथ एडिशन से 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन कहते हैं। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन का आगे डेवलपमेंट रोल्फ हुसन ने किया, इसलिए उसे हुसन साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में 1,3 डाइपोल जिसमें 3 एटम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके एडिशन डाइपोलरोफाइल जिसका 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के साथ अट्रैक्शन है, ऐसा 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के साथ उसका अट्रैक्शन है, इसलिए उसको डाइपोलरोफाइल भी कहते हैं। डाइपोलरोफाइल में 2 एटम और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के बीच एडिशन रिएक्शन से 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 1,3 डाइपोल कंपाउंड जो है जिसमें 3 एटम है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ये 3 कार्बन पे होता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन में से एक पाई डबल बॉन्ड का है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के है और एक लोन पेयर सेंट्रल कार्बन पे होता है, यानी कि सेंट्रल कार्बन है उसमें वो हिट्रो एटम होता है। 1,3 डाइपोल की जिस डाइपोलरोफाइल के साथ रिएक्शन होती है उसमें दो एटम और एक मिनिमम पाई बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एडिशन में दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, यानी कि टू पाई बॉन्ड डिसअपीयर होगी, उसमें से एक पाई बॉन्ड 1,3 डाइपोल का डिसअपीयर होगा, दूसरा डाइपोलरोफाइल का डिसअपीयर होता है और हमें
फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है। वन थ्री डायपोल स्पीसीज में के यहां फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताए हैं, उसमें से दो ऑक्टेट स्ट्रक्चर है जबकि दो सेक्सटेट स्ट्रक्चर है, यानी कि ऑक्टेट स्ट्रक्चर में तीनों एटम की ऑक्टेट फॉर्म कंप्लीट है, यहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और वन थ्री डायपोलर साइक्लो एडिशन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्टेट स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जबकि सेक्सटेट स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम है। यहां ऑक्टेट स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन में यहां ऑक्टेट स्ट्रक्चर को बताया गया है। और ऑक्टेट स्ट्रक्चर की जब डाइपोलर फॉइल के साथ रिएक्शन होती है तब यहां डाइपोलर फॉइल के दो टर्मिनल कार्बन और वन थ्री डाइपोल के दो टर्मिनल एटम और वन थ्री डाइपोल के दो टर्मिनल एटम के बीच न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे फाइव मेंबर रिंग मिलती है। यहां जो डाइपोलर फॉइल है उसके टर्मिनल एटम, एक एटम वन थ्री डाइपोल के टर्मिनल एटम पे जुड़ता है, यहां पॉजिटिव कार्बन पे नहीं जुड़ता क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक यहां जुड़ता है, दूसरे टर्मिनल कार्बन पे जुड़ता है। यहां वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन में दो स्पीसीज में से एक स्पीसीज के पास फोर पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे स्पीसीज के पास डाइपोलर फाइल के पास मिनिमम दो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन फोर पाई प्लस टू पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एन एलाइलिक एनायन सिस्टम। वन थ्री डाइपोलर स्पीसीज एलाइलिक एनायन के जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास है, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एलाइलिक एनायन। वन थ्री डाइपोलर स्पीसीज जिसमें तीन एटम है जिसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर यहां बताया गया है। ए और सी टर्मिनल एटम है, बी सेंट्रल एटम है। यहां ए इज इक्वल टू कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ए एटम में कार्बन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन तीनों में से एक एटम होगा जबकि सेंट्रल एटम बी में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक होगा, यानी कि सेंट्रल बी एटम पे जो बी है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एटम उस पे एक लोन पेयर होगा। टर्मिनल सी एटम है, सी पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों में से एक एटम होगा। वन थ्री डायपोल के इस हिसाब से अलग अलग जो उसके एग्जांपल देखे तो दो बी में नाइट्रोजन सेंटर में हो सकता है या ऑक्सीजन सेंटर में हो सकता है, नाइट्रोजन सेंटर में हो और टर्मिनल पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सेंटर में हो और टर्मिनल पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसी पॉसिबिलिटी देखेंगे तो इतने उसके वन थ्री डायपोल के एग्जाम्पल पॉसिबल है जिसमें एजोमिथाइलाइड नाइट्रॉन एजीमाइन कार्बोनिल ओजोन ये सारे सब वन थ्री डायपोल के एग्जाम्पल है। यानी कि वन थ्री डायपोल में आएगा एजोमिथाइन आइल्स नाइट्रॉन्स नाइट्रिल ऑक्साइड ओजोन एक्सेट्रा, जबकि डाइपोलर फाइल टू पाई कंपोनेंट स्पीसीज है इसलिए उसमें मिनिमम एक पाई दो पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड यानी कि मिनिमम एक पाई बॉन्ड वाला स्पीसीज होना चाहिए। ऐसे स्पीसीज है अल्किन्स अल्काइन्स कार्बोनिल्स एंड नाइट्राइल्स, यानी कि अल्किन्स अल्काइन्स कार्बोनिल्स एंड नाइट्राइल्स यहाँ डाइपोलर फाइल है जो वन थ्री डाइपोल के साथ यहाँ एट्रैक्शन होने की वजह से वो उसको डाइपोलर फाइल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन या विजन रिएक्शन।
वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल देखें तो वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन ऑफ डायजो अल्किन्स विथ अल्किन्स एंड अल्काइन्स गिव्स पायरोजोलिन्स एंड पायरोजोल्स रिस्पेक्टिवली. डायजो अल्किन्स पायरो वन थ्री डाइपोलर स्पीसीज की जब डाइपोलरोफाइल अल्किन्स या अल्काइन्स के साथ जब वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो अल्किन के साथ रिएक्शन से पायरोजोलिन्स जबकि अल्काइन के साथ रिएक्शन से पायरोजोल्स फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट ए साइक्लो एडिशन ऑफ डायजो अल्किन्स विथ इथिन. अल्किन ने इथिन का एग्जांपल लिया है तो डायजो अल्किन उसकी अल्किन इथिन के साथ रिएक्शन होती है तो दो टर्मिनल एटम एक कार्बन और दूसरा नाइट्रोजन इथिन के दो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाते हैं और यहां वन पायरोजोलिन रिंग मिलती है जिसका टोटोमराइजेशन होने से टू पायरोजोलिन मिलता है. पायरोजोलिन फाइव मेंबर रिंग है जिसमें दो नाइट्रोजन एटम है और एक डबल बॉन्ड है. साइक्लो एडिशन ऑफ डायजो अल्किन्स विथ इथाइन. अल्काइन के साथ डायजो अल्किन की साइक्लो एडिशन रिएक्शन. यहां डायजो अल्किन्स की अल्काइन इथाइन के साथ वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें इथाइन के दो कार्बन डायजो अल्किन्स के दो टर्मिनल एटम कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ जुड़ के वन हाइड्रोजन पायरोजोल का फॉर्मेशन होता है जिसमें टोटोमराइजेशन से 3H पायरोजोल का में टोटोमराइजेशन होता है. पायरोजोल में फाइव मेंबर रिंग है जिसमें यहां चक्र में दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन एटम है. इस फाइव मेंबर वाली रिंग में दो डबल बॉन्ड है. सेकंड वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनिल आइल्स विथ अल्किन्स एंड अल्काइन्स गिव्स टेट्राहाइड्रोफिरान एंड टू फाइव डाइहाइड्रोफिरान डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली. जबकि कार्बोनिल आइल्ड की अल्किन के साथ वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन से टेट्राहाइड्रोफिरान जबकि कार्बोनिल आइल्ड्स की अल्काइन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन से टू फाइव डाइहाइड्रोफिरान डेरिवेटिव मिलता है. साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनिल आइल्ड विथ इथिन. कार्बोनिल आइल्ड जिसमें सेंट्रल में ऑक्सीजन एटम और दो टर्मिनल एटम कार्बन एटम है जिसकी इथिन अल्किन के साथ रिएक्शन से वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें वन थ्री डाइपोलर स्पीसीज कार्बोनिल आइल्ड के दो टर्मिनल एटम दोनों कार्बन के साथ इथिन के दो कार्बन जुड़ जाते हैं और फाइव मेंबर रिंग मिलती है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है जिसको जिसमें अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसको फ्यूरान कहते हैं. यहां दोनों डबल बॉन्ड का सेचुरेशन हुआ हाइड्रोजिनेशन हुआ है यानी कि सेचुरेटेड फ्यूरान रिंग को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं यानी कि यहां कार्बोनिल आइल्ड की इथिन के साथ वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन से टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फॉर्मेशन होता है. साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बोनिल आइल्ड विथ इथाइन. कार्बोनिल आइल्ड की अल्काइन इथाइन के साथ वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है तो उसमें यहां कार्बोनिल आइल्ड के दो टर्मिनल कार्बन के साथ इथाइन के दो कार्बन जुड़ जाते हैं और एक कार्बन डाइपोलरोफाइल का एक पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है और एक पाई बॉन्ड रहता है जिसे यहां जो फाइव मेंबर रिंग मिलती है इसमें एक डबल बॉन्ड है यानी कि ये उसमें से फ्यूरान जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं यहां एक डबल बॉन्ड है यानी कि एक डबल बॉन्ड का सेचुरेशन हुआ है यानी कि ये टू फाइव डाइहाइड्रोफ्यूरान है. थर्ड वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन ऑफ अल्काइल एजाइड विथ अल्किन एंड अल्काइन्स गिव्स ट्राइएजोलिन एंड ट्राइएजोल्स रिस्पेक्टिवली. उसी तरह अल्काइल एजाइड की अल्किन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन से ट्राइएजोलिन जबकि
अल्काइल एजाइड की अल्काइन के साथ रिएक्शन से टायरोसाइल फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोएडिशन ऑफ अल्काइल एजाइड में हम मिथाइल एजाइड लेंगे, तो मिथाइल एजाइड की सॉरी यहां इथिन नहीं इथिन नहीं इथिन इथिन के साथ रिएक्शन से यहां एजाइड, तो एजाइड में आर एन थ्री को एजाइड कहते हैं। एजाइड में मिथाइल एजाइड में यहां तीन एटम ए बी सी तीनों नाइट्रोजन है और दो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के साथ इथिन के दो कार्बन का बॉन्ड होने से या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, जिसमें तीन नाइट्रोजन एटम साइकिल में है और दो कार्बन एटम, यानी कि ए तीन नाइट्रोजन एटम होने की वजह टाइएजोलिन कहलाएगा, जिसमें एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोएडिशन ऑफ मिथाइल एजाइड विथ इथाइन, मिथाइल एजाइड की इथाइन के साथ 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, जिसमें मिथाइल एजाइड के जो 1,3 डाइपोल पार्ट है उसमें दो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम का अल्काइन के दो कार्बन के साथ यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो टर्मिनल कार्बन 1,3 डाइपोलर के दो टर्मिनल नाइट्रोजन पे जुड़ जाता है। एक डाइपोलोरोफाइल का पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है और यहां एक पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है, इसलिए जो फाइव मेंबर रिंग मिलती है ट्रायजोल उसमें दो डबल बॉन्ड है, टायजोलिन जिसमें एक डबल बॉन्ड है इसको टायजोलिन कहते हैं, दो डबल बॉन्ड वाली ये रिंग को टायजोल कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देखें तो एन अल्किन डाइपोलर फाइल विथ सिस सब्स्टिट्यूएंट गिव्स अ सिस एडक्ट एंड ए ट्रांस डाइपोलोरोफाइल प्रोड्यूस ए ट्रांस प्रोडक्ट। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में अगर डाइपोलोरोफाइल अल्किन दिया है और वो अल्किन में सिस सब्स्टिट्यूशन है तो जो एडिशन से रिएक्शन मिलती है वो एडक्ट सिस एडक्ट होती है, यानी कि सिस में से सिस प्रोडक्ट मिलती है। ट्रांस डाइपोलोरोफाइल की यहां 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें वो प्रोडक्ट भी ट्रांस होती है, यानी कि ट्रांस में से ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है, इसलिए इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। यहां सिस अल्किन बताया है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, उसकी जब 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के साथ रिएक्शन होती है तो अल्किन के दो टर्मिनल कार्बन 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के दो टर्मिनल एटम के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों टर्मिनल एटम के साथ जुड़ने से यहां दोनों के एक एक पाई बॉन्ड डिसअपीयर होता है और पाई बॉन्ड डिसअपीयर होने से जो एडक्ट मिलता है उसमें दोनों अल्काइल ग्रुप प्लेन के सेम साइड पे है, यानी कि ये सिस प्रोडक्ट है, जबकि ट्रांस अल्किन जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे है उसकी 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के साथ रिएक्शन से दो कार्बन 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के टर्मिनल एटम के साथ जुड़ते हैं, जिससे यहां जो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है फाइव मेंबर रिंग उसमें यहां 1,3 डाइपोलर में से एक पाई बॉन्ड और अल्किन में से एक पाई बॉन्ड का डिसअपीयर होता है और हमें फाइव मेंबर रिंग मिलती है जिसमें एक पाई बॉन्ड है और उसमें दोनों अल्काइल ग्रुप प्लेन के एक अल्काइल ग्रुप बिलो द प्लेन है जबकि एक अल्काइल ग्रुप अबव द प्लेन है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में है इसलिए ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि यहां सिस में से सिस और ट्रांस में से ट्रांस प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।